वोट दें अपनी सोच के मुताबिक, फिर गवर्नमेंट जिसकी बन जाए उसको रिस्पेक्ट। उसकी मिसाल मेरी अपनी है कि जब मैं एमएलए नहीं था, मेरे हल्के के जो एमएलए साहब थे राणा तरवीर साहब और एमपी एक फजूल सा आदमी था, क्योंकि इसके बावजूद मैं कहता था कि यार आज अभी भी है नहीं, अब तो मैं एमपी बैठा हूँ ना, मेरे से पहले वो था लड़का, तो मैं ये कहता था यार उसके पास जाए, जैसे थानेदार एक बदल जाए तो फिर पुराना थानेदार के नीचे मैं नहीं पर्चा काटना है, मैं नहीं छुड़ाना है, ऐसा नहीं है। आजकल तो अगर अक्षरियत ने किसी को वोट दे दिया जिसे मैं नहीं पसंद करता था, तो फिर अक्षरियत ने दे दिया तो उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना। ये बात जब मैं एमएलए था, मेरे मियाँ नवाज शरीफ साहब से सऊदी में ये बात हुई, सर जमाली साहब बन गए हैं, हमने वोट नहीं दिया, आज बन गए हैं उनको कोऑपरेट करें ताकि वो मुल्क की खिदमत करें, और नवाज शरीफ साहब ने मेरी ये रिक्वेस्ट पसंद फरमाई, शबाज शरीफ साहब जैसे फरमा दी, उनका आप जो बात करते हो ठीक हो, लेकिन ये बात हर बंदा इस तरीके से नहीं सोचता। तो अगर मेरी अपनी सोच थोड़ी डिफरेंट है तो पार्टी को मैं बाउंड तो नहीं कर सकता, हाँ पार्टी के डिसीजन का मैं पाबंद हूँ। जो उन्होंने सीरत नबी बच्चों को पढ़ाने की बात की, नेगेटिव बात यह है कि उन्हें समझ नहीं आई कि ये कैसे करना है, ठीक है ना, वो जो एक्ट करते थे उनकी कमजोरी है, नेगेटिव नहीं वो खामी। वफादारी की बताइएगा कि अब आप जो है वफादारी को पार्टीज में कितना रेट करते हैं कि वफादारी क्या? वफादारी सबसे पहले मुसलमान, उसके बाद पाकिस्तानी, उसके बाद पाकिस्तानी। जो चीज़ हमारा दीन इजाजत देता है, ठीक है ना, क्या पीपल्स पार्टी वो गैर पाकिस्तानी पार्टी, क्या मुस्लिम लीग नवाज को गैर पाकिस्तानी पार्टी, क्या तरीके इंसाफ गैर पाकिस्तानी पार्टी, ठीक है ना। तो आपने अपना एक रोल अदा करना है, आपको जिधर बेहतर तरीके से आप सही रोल आप सही अदा करें, लो हमारे कैमरा मैन ने कह दिया बात वो करें जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, के लेवल भी आप सच्ची बात करें जिधर भी बैठ के कर सकते हैं, हमारा कैमरा मैन बात करना चाहता है। नहीं अभी अभी वो लंबा मैं भी नहीं सीधे तो जावे के बोल रहा हूं। वेलकम राजीव जी, पाकिस्तान डेली के साथ कमल पटी आपकी खिदमत में, मेरा जलील शरदपुरी साहब आवाज तक मौजूद है, बहुत दबंग एमपीए मुस्लिम लीग नून के।